इतना तगड़ा प्लेयर है पहला देख रहा हूँ मैं, कोई ऐसा है भाई? यार से मैं इतने प्लेयर देखता नहीं हूँ ज्यादा खास, मुझे ऐसा लगता है ऐसे टावर तोड़। दूसरा एंग्री बोलते हैं पर जो भाई, और भाई M10 के लाल लाल, अबे क्या कर रहा है ये गए खिलाड़ी? और कमाल का ये शुरुआती मैच बंदे ने बनाया है व्हाट अ जॉय बॉय के साथ। पर ओ यू सी दिस गाय नंबर 1 बुलशिट शॉट है आपका भाई, बॉय बॉय नहीं रुकने वाला। गाइस हमारे GBM e-sport में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आपको तो पता ही है, लाइक गुरी है, गोकू है, एकांत है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, और भी काफी सारे खतरनाक खतरनाक 1v1 कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स भरे हुए हैं। वो अलग बात है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे, खड़ा हूँ आज भी वही, बट कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग एक ऐसे खिलाड़ी को हमारे गिल्ड में ऐड करने वाले हैं जो गाइस शाउट भाई के स्ट्रीम पे जाके एक टाइम पे मचा के आया गाइस, बट थोड़े से लकीली वो NG कप में ज्यादा दूर सफर तय नहीं कर पाए, बट उसका गेम हम लोगों के दिल पे अभी भी है, सभी को उसका गेम पसंद भी आता है। तो फाइनली उसने ये डिसाइड किया कि उसको GBM में आना है, एंड मैंने जब देखा कि बंदा सामने से बोल रहा है कि भाई मुझे GBM में आना है, बट लिटरली देखो गिल्ड में आने का मतलब ये नहीं है कि बस आपका गेम प्ले होना चाहिए और GBM में आ जाओ। मैंने बंदे से प्रॉपर रीजन मांगा है तो बंदा बोला है कि मैं रीजन वीडियो में ही देने वाला हूं। तो गाइस उस बंदे को अभी मैं ऐड करने वाला हूं, उससे डायरेक्टली हम लोग बातचीत करेंगे कि क्यों वो बंदा अपना गिल्ड छोड़ के GBM e-sport ज्वाइन करना चाहता है, और उसके बाद एक गेम प्ले भी उसका हम लोग देखेंगे ऑन स्ट्रीम का। तो गाइस चलिए पहले इस बंदे को हम लोग करते इनवाइट। बंदे ने तो अपना नेम भी चेंज कर लिया है। हेलो 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 वन चाय प्लीज जॉय बॉय भाई, कैसे हो मेरे भाई? भाई एक नंबर। और क्या चल रहा है अभी हिंदुस्तान में? तो फॉग चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा अभी, तो मजे कर रहा हूँ। मजे कर रहे हो? ओके, तो भाई आपका तो भाई पूरा नाम कम्युनिटी में अभी वायरल हो चुका है भाई कि बिहारी लेजेंड और टीन का डिब्बा। तो प्रॉब्लम है यार, टीन का वीडियो आ जाता है। अरे कोई भी आ रहा के वीडियो डाल लेता है आपके ऊपर। ओके ओके, तो भाई देखो अब थोड़ा सा सीरियस बात करते हैं कि भाई आपने GBM ज्वाइन क्यों किया, सीधी सी सवाल। तो बात ये है ना कि एमजेड को तुम जान ही रहे हो, उसके लीडर हर दिन एक दिन लाइव करेंगे हफ्ते में, बोलेंगे कल से मैं रोज लाइव करूंगा और उसके दो दिन बाद ही लाइव नहीं करता। क्या साबित करना चाहता है तू? मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि आप जिस गिल्ड में थे उनका जो लीडर था वो थोड़ा सा अनएक्टिव टाइप का था? हाँ, मतलब हमारे शायन था, थोड़ा सा अनएक्टिव थे। हाँ, थोड़ा सा अनएक्टिव थे। दैट्स व्हाई तुम्हें वो स्ट्रीम पे खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। कोई स्ट्रीम पे खेलने का मौका नहीं मिल रहा था, वही बात है। अच्छा, दैट्स द रीजन। बोलो। ज्वाइन किया इसलिए मैंने GBM ज्वाइन किया, इधर तो आप रोज स्ट्रीम करते हो, मेरे को मौका मिलेगा। अच्छा ओके ओके, एंड अगर मौका मिले तो क्या अच्छे से GBM को तुम रिप्रेजेंट कर पाओगे गिल्ड वॉर के स्टेज में? नहीं, उसको तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, आगे तक रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा ओके ओके, ये तो गाइस सब पता चल ही चुका है कि क्यों बंदा GBM में आना चाहता है। अब जो सीन है देखो जॉय बॉय भाई, GBM में आने के लिए आपको तीन चीजें आपके पास होना चाहिए, जो ऑलरेडी जो दो चीजें वो आपके पास है, जो है आपका गेम प्ले और जो है आपका बिहेवियर, ये दोनों चीज आपके अंदर है, ठीक है? वो हमने ऑन स्ट्रीम भी देखा है, बाकी सामने भी देखने वाले। बाकी जो थर्ड चीज जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा वो है लॉयलिटी। क्या आप GBM के लिए लॉयल रहोगे? मैं तो अभी बोल रहा दो रीजन दे रहा हूँ, या तो आप मेरे को किक करोगे या तो आप इनएक्टिव हो जाओगे फैन बाय जैसे, नहीं तो GBM लीव नहीं हो रहा है। परमानेंट GBM के खिलाड़ी बन जाओगे आज से? ओके ओके, चलिए चलिए अब जॉय बॉय का गाइस हम लोग एक गेम देखने वाले हैं, तो लेट्स सी। जॉय बॉय भाई आपके सामने मैंने ना एक 90% अबव एक प्लेयर का मैंने सिलेक्शन चयन किया है तुम्हारे सामने परफॉर्म करने के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है 90% प्लेयर के हेडशॉट रेट वाले प्लेयर के सामने तुम कैसा परफॉर्म करोगे? भाई उस पे 90% है, उस पे थोड़ा वो तो होगा, नर्वस तो होगा मैं, पर देखो मैं निकाल लूंगा। ओके ओके, लेट्स सी, चलिए गाइस देखते हैं, ऐड करते दोनों खिलाड़ी को। Literally guys, इस प्लेयर का जो स्टैट्स है वो 90+ 93%, वो भी ऐसा नहीं कि एक दो गेम के लिए,
स्पंज ने लिटरली 200 प्लस गेम्स खेले एंड 1200 प्लस एलिमिनेशन। स्टार्ट करते इस गेम को, लेट्स सी। फर्स्ट एड नामी काजे, 93% हिट शॉट रेट वाला ये बंदा। सामने गाइस हमारे जीबीएम के नए खिलाड़ी, जीबीएम जॉय बॉय। लास्ट 2 महीने से जो है प्रॉपर 1v1 में ही प्रैक्टिस कर रहा है इस बंदे का ये कहना है। अब देखते हैं जॉय बॉय के सामने वो 93% हेड शॉट रेट किस हिसाब से काम होने वाले। बट जॉय बॉय का ये खिलाड़ी और कमाल का ये शुरुआती कनेक्शन जॉय बॉय की तरफ से। भाई व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम जॉय बॉय। ओहो हो, आई थिंक हेलमेट उड़ा दिया गया जॉय बॉय का। ओके नामिकाज़े आगे बढ़ते हुए, जॉय बॉय है सामने। गाइस ओके मिस, नामिकाज़े का गेम मुझे देखना है भाई लोग। ये बंदा लिटरली जो स्टैक्स बंदे ने बनाया है, बट जॉय बॉय के सामने नहीं टिकने वाले। एक और कनेक्शन आएगा जॉय बॉय की तरफ से इस गेम में। थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। चलिए नामिकाज़े ब्रोक कर दीजिए यार, वो गेम प्ले दिखा दीजिए। 93% शॉट रेट है आपका भाई। जॉय बॉय नहीं रुकने वाला, शुरुआती 3 राउंड जॉय बॉय ने जिस हिसाब से मारा है देख 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 कैसा खुश हो रहा साले। ओके ओके भाई चलिए, नामिकाज़े ने भी अपना वो कनेक्शन ढूंढ लिया है इस गेम में। तो नामिकाज़े ब्रो ये बिहारी लेजेंड जिस हिसाब से खेलता हुआ आज सामने भाई 93 लेवल का बंदा है भाई, फील ही नहीं हो रहा भाई। नामिकाज़े ओके भाई चीटर उड़ा दिया जॉय बॉय का। ओके जॉय बॉय तो गया भाई ये गेम में, जॉय बॉय तो गया। कमाल का मार रहा है भाई नामिकाज़े। कोई दिक्कत नहीं भाई, बंदा खुद ही एलिमिनेट हो गया। यूआईडी माइकी भाई 5 months से ट्राई कर रहा हूँ, मिलेगा आज ही आपसे। और लेकिन जॉय बॉय खत्म करेंगे इस गेम को 5-2 के स्कोर के साथ।